नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटे में लगाई गई 64 लाख लोगों को वैक्सीन, अब तक लगभग 30 करोड़ डोज दी जा चुकी। भारत में कोरोना के 54,000 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 1,321 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 208 अंकों की तेजी के साथ खुला। मेडिकल की फायर ऑडिट पेश करें, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश। बुधवार को शहर में सामने आए कोरोना के 46 नए मामले, एक कोरोना संक्रमित ने गवाई जान। अतिक्रमण दस्ते ने शुरू की तोड़ू कार्रवाई, मॉडल मील पर चला हथौड़ा, दो इमारतों को किया गया ध्वस्त। सांसद के आदेश पर मनपा प्रशासन भारी, पुनर्वास करने में अब तक विफल, दो वर्षों से अटका है मामला। नए विभागीय आयुक्त ने संभाला पदभार, कहा जनता को तत्काल प्रतिसाद दे, साथ ही कहा विकास कार्यों की समय सीमा का हो पालन। सड़क के गड्ढे तुरंत भरने के दिए निर्देश, मनपा मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में महापौर ने दिए निर्देश। शहर में एक दिन में 42,000 लोगों को लगा टीका, 23,703 लोगों को सिटी में मिली वैक्सीन, 18,018 लोगों को ग्रामीण में मिला लाभ। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।